हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी पिज्जा स्लाइसेस। ये बहुत ही टेस्टी स्नैक रेसिपी है जो कि बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ फुल कैरेट, हाफ फुल स्वीट कॉर्न, हाफ फुल कैप्सिकम, हाफ फुल अनियन, हाफ फुल कैबेज, हाफ फुल पनीर, 2 स्पून पिज्जा सॉस, 2 स्पून टमाटो केचप, बटर, प्रोसेस चीज, 1 स्पून ऑरिगेनो, हाफ स्पून चिली फ्लेक्स, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और ब्रेड स्लाइसेस। तो आइए अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे। अब इसमें 1 स्पून बटर डालेंगे। बटर मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें अनियन डालेंगे। अनियन फ्राई हो गया है, अब हम इसमें अपनी सारी वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे। अब इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा भूनने के बाद इसको 3 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे। देखिए 3 मिनट्स हो गए हैं, वेजिटेबल्स हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें पनीर ऐड कर लेंगे। अब इसमें पास्ता सॉस, टमाटो केचप, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है, अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम पिज्जा स्लाइसेस तैयार करेंगे। इसके लिए हम ब्रेड स्लाइसेस पर टमाटो केचप स्प्रेड कर देंगे। केचप लगाने के बाद हमने जो स्टफिंग तैयार की थी वो भी हम स्लाइसेस पर लगा लेंगे। अब इन स्लाइसेस पर चीज स्प्रेड कर देंगे। देखिए सारी स्लाइसेस तैयार हो गई हैं, अब हम इनको बेक करेंगे। बेक के लिए हम पैन को यूज करेंगे। पैन को गर्म करके बटर से ग्रीसिंग कर लेंगे और अपने पिज्जा स्लाइसेस इस पर रख देंगे। अब इसको 5 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे। देखिए 5 मिनट्स हो गए हैं, हमारा चीज बिल्कुल मेल्ट हो गया है, अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी टेस्टी पिज्जा स्लाइसेस खाने के लिए तैयार हैं। आप इसको गर्म गर्म ही सर्व करें
और इस सुपर टेस्टी स्नैक को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें।